उनमें दम हो तो गिरफ्तार करके ले जाएं। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबकी सरकार है, काहे की सबकी सरकार है? इसमें दलित पिछड़े हैं कहाँ? अगर वो यहाँ कहीं हो तो वो गिरफ्तार करके ले जाएं मुझे। क्या मांगने से भीख मिलेगी, छीनने से अधिकार, और अधिकार छीनने के लिए बल इकट्ठा करना पड़ता है। कोई नेता से कोई समाज नहीं होता है, समाज से नेता होता है। बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए मनोबल के लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। हर की अकल ठीक करनी होगी, फिर ताकत को बुलाएंगे। और जिनका बल नहीं होता उनका हल नहीं होता। जय भीम। एक द्रोगच्छा होंगे जितेंद्र सिंह, अगर मेरी आवाज जा रही ना, वो नोटिस लेके आए थे, एक मुकदमा पुराना, तो मैं नोटिस वोटिस कहा, मैं साइन नहीं कर रहा हूँ, गिरफ्तार करके ले जाए। अगर आपका मन है नोटिस वोटिस ये है आपका, मैं नोटिस में साइन नहीं कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ कहीं हो तो वो गिरफ्तार करके ले जाए मुझे। ये लो पकड़ो, उदाहरण स्कोर दे देना उनको, उनमें दम हो तो गिरफ्तार करके ले जाए। ठीक है, आंदोलन चलेगा, और जब तक आंदोलन चलेगा आप लोग जो है ना इधर उधर नहीं घूमना। तो कुछ परेशानियां मैं समझ सकता हो रही है, तो ठीक है कि भाई उन परेशानियों की वजह से आप लोग जा रहे हैं, क्यों घूमते हैं? ये क्या बात हुई? कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। जो आदमी 4-6 घंटे बैठ नहीं पा रहा वो क्या कर लेगा? जिनकी मदद करने के लिए आए हैं वो 70 दिन से बैठे हुए हैं, उनके अंदर दर्द है, तुम्हारे अंदर मुझे दर्द ही नजर आ रहा। अगर दर्द होता तो दर्द को तुम समझते और चैन से बैठते। पांच बजे तक आंदोलन चलेगा, और जिसको दर्द है वो यहां से उठ के एक कदम उधर नहीं जाएगा। हम तो गए नहीं, हम भी इंसान है आपकी तरह, हम भी वहां जा सकते थे, क्यों नहीं जा रहे? सुकून से बैठिए। आपका आंदोलन ताकतवर आंदोलन में, अभी एक और बहन मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक और भर्ती है जिसमें घोटाला हुआ। ये 2011 के में हुई थी, उसके बाद सरकार ने जो उसके बाद सरकार है घोटाला कर लिया। इसमें भी लगभग 30,487 SC ST की महिलाएं हैं जिनकी नियुक्ति होनी थी वो नहीं हुई। अब ये जब इस सरकार की कुंडली खंगा ली जाएगी, जैसा मुझे पता लगा कि सरकारी कोर्ट है यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट जो है, जो बैच है वहाँ जितने सरकारी कोर्ट है 99% जो है वो अपर कास्ट के लोग, SC ST का एक व्यक्ति है, OBC का तो एक भी नहीं है। ये सरकार किसकी है? कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबकी सरकार है, काहे की सबकी सरकार है? इसमें दलित पिछड़े हैं कहां? बेसिक रिक्शा में जो निदेशक लगे हुए हैं वही है 10 साल से, और सारे घोटाले उनके नेतृत्व में होते हैं। ये समझना पड़ेगा, मांगने से भीख मिलेगी, छीनने से अधिकार, और अधिकार छीनने के लिए बल इकट्ठा करना पड़ता है। जिनका बल नहीं होता उनका हल नहीं होता। तो आप पहले बल तैयार कीजिए, और बल जो है ना वो जोड़ने से बनता है, तोड़ने से नहीं बनता, ऐसे उधर घूमने से नहीं बनता। तुम यहां बाजार में आ रखे हो, यहां में आ रखे हो किसी के? इससे डर रहे हो जमीन से? सपने तो ले रहे हो आसमान छूने के, और जमीन से डर रहे हो उस पर बैठने से? कल भी यहां कार्यकर्ता थे, बारिश आई बारिश गई फिर बैठ गए। आज पता नहीं क्या महाभारत हो रही है। कल भी इतने लोग बुलाए थे आपके, इतने आज जितने लोग हैं उतने ही कल थे, इतने ही कल के दिन बुलाए जाएंगे, परसों के दिन बुलाए जाएंगे, जिस दिन ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे उस दिन ज्यादा आ जाएंगे।
जिस दिन प्रदेश के लोगों को बुला लिया जाएगा उस दिन प्रदेश के लोग आ जाएंगे, जिस दिन देश के लोगों को बुलाया जाएगा उस दिन देश के लोग आ जाएंगे। तो अभी सिर्फ पदाधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया। जिस दिन सरकार की अकल ठीक करनी होगी फिर ताकत को बुलाएंगे, और जिस दिन ताकत को बुलाएंगे उस दिन लखनऊ के लोग बैठ के लखनऊ का तमाशा देखेंगे। हम संवैधानिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग, संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य ये है कि इसमें कोई आगे पीछे इपट की बात नहीं, कि ये भर्तियां हों और इन 18-20 हजार परिवारों को जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं उनका अधिकार मिले, यही तो मांग है, और ये सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन लेने के लिए जैसे धैर्य किया गया 70 दिन से, ऐसा धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा। और मैंने बता दिया 5 बजे तक तो आंदोलन है, आंदोलन के बीच में मुझे कोई इधर उधर घूमता दिखाई दिया, जहां तक मैं जानता हूं आप मेरे बारे में इतना तो जानते हैं कि मैं ना तो आदमी देख के भूलता, ना कोई वैसे भूलता किसी घटनाओं को, मैं तो चाल से पहचान लेता हूं, चाहे वो सरकार की हो चाहे आपकी हो, समझ रहे हो। तो शांति से बैठे रहो, आधा 35 मिनट का पूरा वो है, और ये 35 मिनट दिखना चाहिए कि आप आंदोलन में हो, समझ रहे हो। एकता में शक्ति होती है, अपने आंदोलन को मजबूत करो। ये नहीं कि देखो 10 लोग वहां खड़े हैं, 10 लोग वहां बैठे हैं, 2 लोग वहां सो रहे हैं, 2 लोग इधर जा रहे हैं, ये क्या बात हुई। हम यहाँ सरे और आनंद लेने के नहीं, तकलीफ में खुले आसमान के नीचे रात इसलिए सोए थे कि हमारे लोगों को हमारी तकलीफ का एहसास हो, उनका उनको एहसास हो कि अभी आपके पास यही है। अगर कुछ लोगों के पास घर है, कुछ लोगों के पास रोजगार है, कुछ लोगों के पास संसाधन है, तो वो कुछ ही लोग हैं। भारतीय सरकार का आंकड़ा है जो सरकार दिखाती नहीं, कि मुश्किल से शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का 4% रिजर्वेशन अभी तक लागू हुआ है क्लास 1 में, लगभग 40-42% आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या नेता नहीं थे? क्या लागू कराने वाले लोग नहीं थे? सब थे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी। जिस तरह से न्याय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह से हमारा संविधान हमें जो अधिकार देता है वो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। उनको तो सरकार को अपने आप देना चाहिए, हमें तो अधिक के लिए लड़ना चाहिए कि भाई इतना हमारा बैठता है, इससे अलग हमें कुछ दे दो, हमें तो वही नहीं मिल रहा। बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए मनोबल के लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए मनोबल के लोग, अगर आपका मनोबल टूट चुका है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमें 70 दिन हो गए बैठे हुए, जिनका मनोबल टूट गया वो समझो कि वो पहले हार चुके हैं। ऐसी भी लड़ाइयां हुई हैं जो लोग एक एक साल में जीते, 9 महीने से किसान बैठे वो तो नहीं हारे, वो तो आज भी पूरे मोर्चे पर डटे हुए हैं, उनको भरोसा वो जीतेंगे। आपका भरोसा क्यों कमजोर हो गया कि आप हार जाओगे? कितने ऐसे लोग हैं जिनका भरोसा कमजोर होगा, आप कोई नहीं हाथ उठाएगा, सब कहेंगे नहीं भरोसेमंद है, भरोसेमंद हो तो वहां जाएगा, क्यों खड़े हो रहे हो पीछे फिर, भरोसा तो यहां से मिलेगा। ये लोकतंत्र, यहां जनता मालिक, जनता बनाती है, जनता हटाती है, जनता जो है तय करती है कि कौन हमें जो है ना आगे के समय में तैयार करेगा, कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा, कौन आगे बढ़ाएगा, हम किसके साथ खड़े होंगे, ये जनता तय करती है। कोई नेता से कोई समाज नहीं होता है, समाज से नेता होता है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है, आधा घंटा पूर्ण जिम्मेदारी से बैठें, और आप जो शिक्षक भर्ती के हमारे लीडर हैं, जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनको भी सुनेंगे, और एक आधी कोई बहन वो जो बैठी है उसको भी सुनेंगे, आप मेरे कोई बोलना चाहेगा उसको भी सुनेंगे, लेकिन सीमित शब्दों में। समझ रहे हैं, 5 बजे तक आंदोलन को गरिमा के रूप से चलाइए। मुझे तो ये लगता है कि मैं जा गाड़ी में बैठ जाऊँ किसी काम के लिए, तो गाड़ी के पास जा खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़े आंदोलन चलता है। आंदोलन चलाने के लिए सोचे, जब देश आजाद कराने के लिए आंदोलन चले, और लोग ये तो आंदोलन है, जिन्होंने 67 दिन भूख हड़ताल रखी, 66 दिन भूख हड़ताल रखी, वो भी तो दीवाने थे, उनके अंदर में भी तो जीतने की भावना थी, और वो जीते भी।
आप लोग देखिए, अभी तो आप बैठे हैं, अभी तो आप खड़े होंगे, अभी फिर आप चलेंगे, फिर आप लड़ेंगे। जिस दिन आप लड़ेंगे उसी दिन तो पता रहेगा हार रहे हैं जीत रहे हैं। जब तक आप मैदान में नहीं आए, आप मैदान में आपने आमना सामना नहीं किया, दो दो हाथ नहीं किया, आपको कैसे पता लगा आप हारे या जीते। अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है, इसके समय समय पे स्टेप होंगे। जैसे अभी हम लोग ट्विटर पे कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, कल हम लोग सड़क पे जाएंगे, परसों लोग हम लोग विधानसभा घिराव भी कर सकते हैं, तरसों हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घिराव भी कर सकते हैं, उसके बाद हम बड़ी कॉल दे के सड़कें भी बंद कर सकते हैं। जो हमसे बंद पड़ेगा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए सब कुछ करेंगे।